नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट पूर्व में। हम लोग झारखंड का भूगोल पढ़ रहे थे, जिस क्रम में 19 वीडियो जो है अपलोड हो चुका है और आज क्या है पार्ट 20 है। अर्थात हम लोग क्या देखेंगे पार्ट 20 में, खनिज संसाधन। खनिज संसाधन का ये तीसरा वीडियो है। भूगोल में एक टॉपिक आपका आता है झारखंड का जो है खनिज संसाधन, और खनिज संसाधन में क्या है तीसरा टॉपिक है और ये खनिज संसाधन का अंतिम है। इसके बाद हम लोग देखेंगे झारखंड में जो प्रमुख उद्योग है वो देखेंगे। तो जो इनसे पहले भूगोल का सभी वीडियो नहीं देखे हैं पार्ट 1 से पार्ट 19 तक, तो आप क्या करें प्लेलिस्ट से उन सभी वीडियो को या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहाँ से सभी वीडियो को सीरीज बाय सीरीज देख लें, ताकि झारखंड के जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वह आपका JPSC हो, JSSC हो, या फिर झारखंड के जैसे भी शिक्षक या किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम, झारखंड में कम्पिटिटिव जो भी एग्ज़ाम होता है सब के लिए आपका क्या हो गया फ़ायदा होगा और एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो उन सभी वीडियो को देख लें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके पहले हम लोग खनिज संसाधन, आज अंतिम वीडियो है खनिज संसाधन में, तो हम लोग क्या देखे थे इसके पहले, कोयला देखे थे, लो अयस्क देखे थे, मैंगनीज, तांबा, बॉक्साइट, क्रोमियम, अभ्रक, ग्रेफाइट और टंगस्टन। तो ये सभी खनिज के बारे में पढ़ चुके हैं और जो शेष रह गया है उनके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो देखिए जो बाकी था उनमें से एक आपका आता है सीसा। तो सीसा का मतलब, सीसा कैसे मतलब कहाँ पाया जाता है, किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो सीसा सबसे पहले आप याद रखेंगे हजारीबाग, संथाल परगना और सिंहभूम, रांची। इस क्षेत्र में हजारीबाग, संथाल परगना, सिंहभूम, रांची, ये सभी क्षेत्रों में क्या होता है सीसा पाया जाता है। साथ ही सीसा जो है जब ज़मीन से खनिज के रूप में से निकाला जाता है तो ये चांदी और जस्ते के साथ मिला हुआ पाया जाता है, चांदी और जस्ते के साथ मिला हुआ पाया जाता है। तो ये आपका सीसा के बारे में कुछ विशेष था। अब हम बात करेंगे किसका, सोना के बारे में, ठीक है। हालांकि इनके बारे में और भी हम लोग पढ़ेंगे जब भारत का भूगोल पढ़ेंगे, अभी लोग झारखंड को ध्यान में रखते हुए पढ़ रहे हैं केवल झारखंड। तो सोना जो है, सोना के लिए क्वेश्चन है कि सोना किस क्षेत्र में पाया जाता है। अगर आप झारखंड, जैसे झारखंड का मैप के वजह से पढ़ते जाएंगे सोना किस क्षेत्र पाया जाता है, तो झारखंड का जो सिंहभूम क्षेत्र है, झारखंड का कौन सा क्षेत्र, सिंहभूम क्षेत्र। भूगोल का जो पार्ट 1 है वह बिल्कुल मैप पर है, केवल मैप का ही बताया गया है कि कौन सा ज़िला किधर है। तो पार्ट 1 आप देख लें तो आपको झारखंड का सभी क्षेत्र का मतलब क्या होगा अध्ययन जो है बारीकी से आपको समझ में आएगा। तो सोना सिंहभूम क्षेत्र पाया जाता है, और सिंहभूम क्षेत्र में किधर, जिस और स्वर्ण रेखा नदी गुजरी हुई है। क्योंकि सिंहभूम, जैसे कि आप सिंहभूम में टाटा का नाम सुने होंगे, जमशेदपुर का नाम सुने होंगे, तो वो जैसे कि आपका स्वर्ण रेखा और खरखई, स्वर्ण रेखा और खरखई नदी के संगम पर है। तो उस तरह से आपका ये जो स्वर्ण रेखा नदी है सिंहभूम क्षेत्र में, उस क्षेत्र में सोना पाया जाता है। साथ ही पलामू में जो सोन घाटी का क्षेत्र है, सोन नदी का क्षेत्र, कि सोन नदी बिहार में है और पलामू में थोड़ा बहुत सोन नदी गुजरा भी है, तो इसलिए सोन नदी का जो क्षेत्र है वहाँ भी सोना पाया जाता है। इसके अलावा हजारीबाग और रांची का जो दामोदर नदी घाटी का क्षेत्र है और फल्गु नदी, इन सभी नदी क्षेत्र में क्या होता है सोना पाया जाता है। और एक पूछा जाता है स्वर्ण रेखा नदी जो कि स्वतंत्र रूप से बंगाल में गिरती है। अब स्वर्ण रेखा नदी स्वतंत्र रूप से बंगाल में कैसे गिरती है, तो आप ये नदी का वीडियो जो है उसमें आप देख सकते हैं, नदी का पार्ट में स्वर्ण रेखा नदी के बारे में। और स्वर्ण रेखा नदी सोने के लिए फेमस है झारखंड में, ये भी याद रखेंगे। स्वर्ण रेखा नदी स्वतंत्र रूप से बंगाल में गिरती है और ये नदी जो है सोने के लिए प्रसिद्ध है। तो अभी हमने क्या देखा, सीसा के बारे में देखा और सोना के बारे में देखा। अब देखेंगे चांदी के बारे में। तो चांदी जो है ये भी मिश्रित रूप में, जब खनिज के रूप में इसे निकाला जाता है ज़मीन से, तो ये भी मिश्रित रूप में पाया जाता है। कौन सा मिश्रित, ये आपका इसमें सीसा, जस्ता, गंधक और तांबा, इन सभी मिश्रित रूप में भी चांदी को निकाला जाता है। और चांदी झारखंड के किस क्षेत्र में पाया जाता है इसे ध्यान रखेंगे। हालांकि एग्जाम की दृष्टि से उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखें हजारीबाग क्षेत्र में चांदी पाया जाता है, रांची है, रांची से चांदी पाया जाता है, सिंहभूम, तो जितना भी अगर हम सिंहभूम की बात करें
तो सिंहभूम में जितना भी खनिज है लगभग लगभग सारे खनिज ही सिंहभूम में पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। और इस पलामू क्षेत्र और संथाल परगना में भी सोना चांदी पाया जाता है। और चांदी से एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, झारखंड का जो SI है विभिन्न डेट में इस क्वेश्चन को पूछा गया है चांदी के बारे में। क्या है क्वेश्चन? चांदी साफ करने का कारखाना, बार बार रिपीटेड है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, इसे आप फिक्स कर लेंगे, इसे बढ़िया से आप याद रखेंगे, इसे भूलेंगे नहीं, ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। चांदी साफ करने का कारखाना कहाँ पे है? तो याद रखेंगे टुंडू में, कहाँ पे? टुंडू में। अब बात करेंगे लोग टीन के बारे में बात करेंगे, तो टीन जो है ये पाया जाता है आग्नेय चट्टान में। टीन कहाँ पाया जाता है? आग्नेय चट्टान में। अब हमारा चट्टान का जो वीडियो नहीं देखे तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि 1 से 19 तक जो पार्ट है उसी पार्ट में हम आग्नेय अवसादी कायांत्रित सभी चट्टान के बारे में बताएं डिटेल से कि आग्नेय क्या होता है, अवसादी क्या होता है और कायांत्रित क्या होता है। तो अगर आप चट्टान का वीडियो देखते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि आग्नेय चट्टान क्या होता है। तो टीन जो है आग्नेय चट्टान में पाया जाता है, और टीन किस क्षेत्र में पाया जाता है? ये आपका संथाल परगना में है, हजारीबाग में है, पलामू है और रांची सिंहभूम क्षेत्र में। टीन से क्या सवाल आता है बार बार एग्जाम में, हम आपको ये भी बताते चल रहे हैं कि कौन सा प्रश्न एग्जाम में आता है। ये क्षेत्र उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये देखिए कैसिटराइट। ये कैसिटराइट क्या है? जिस तरह से आपको पता होगा कि कोई भी धातु जब जमीन से निकलता है खनिज के रूप में तो धातु हमेशा शुद्ध रूप में नहीं निकलता है, वह अशुद्ध रूप में निकलता है, जिसमें अयस्क कहते हैं, जिसमें अशुद्धि भी रहता है। जैसे बॉक्साइट है, तो बॉक्साइट के बारे में पहले का वीडियो बताए थे। बॉक्साइट अयस्क है, किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का है। जब इसे फैक्ट्रियों में पिघलाया जाता है तो इस मतलब जो पत्थर के साइज में आता है तो इस बॉक्साइट में जो अशुद्धि रहता है, अशुद्धि को हटाने के बाद जो शुद्ध बचता है उसे हम लोग एल्युमिनियम कहते हैं। और बॉक्साइट तब तक कहेंगे जब तक इसमें अशुद्धि रहता है, ठीक है। तो ये उस अशुद्धि को, जैसे कि जो भी खन मतलब पत्थर के रूप में बॉक्साइट प्राप्त होता है, उस अशुद्धि जो रहता है अशुद्धि को गैंग कहते हैं। अशुद्धि को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। तो टीन के लिए बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, खास करके JPSC और सचिवालय लेवल का एक क्वेश्चन है कैसिटराइट। कैसिटराइट एक कच्ची धातु है और इसी कच्ची धातु से क्या होता है? टीन प्राप्त किया जाता है। जिस तरह से हेमेटाइट जो है, जिस तरह से लोहा जो है हेमेटाइट के रूप में पाया जाता है, तो इसी तरह से टीन जो है वो आपका कैसिटराइट के रूप में पाया जाता है। फिर से पिघला के शुद्ध करके क्या किया जाता है? टीन प्राप्त किया जाता है। तो याद रखेंगे टीन किस खनिज से प्राप्त होता है? कैसिटराइट से, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे एस्बेस्टस का। तो एस्बेस्टस क्या है? यह एक चमकीला और रेशा खनिज है। एस्बेस्टस क्या है? चमकीला और रेशेदार खनिज है, और ये पाया जाता है धारवाड़ चट्टान में। आपको जब चट्टान का वीडियो के बारे में बताए थे झारखंड के, तो झारखंड में जो चट्टान है धारवाड़ क्रम की चट्टान 90% है। झारखंड में जो चट्टान है, क्योंकि चट्टान का जब निर्माण हुआ था उस समय पड़े थे परमियन क्रम में, आर्कियन क्रम में, धारवाड़ क्रम में, तो झारखंड की जो चट्टान है वो 90% चट्टान, याद रखेंगे 90% चट्टान जो है धारवाड़ क्रम की चट्टान है। और यही धारवाड़ क्रम की चट्टान में पाया जाता है आपका एस्बेस्टस पाया जाता है, जो बहुत ही चमकीला और रेशेदार खनिज होता है। ये अब कहाँ पाया जाता है? धारवाड़। तो धारवाड़ क्रम की चट्टान है, तो ये आपका सिंहभूम और रांची, खास करके ज़्यादातर सिंहभूम, उसके बाद उससे हल्का कम जो है आपका रांची होगा, ज़्यादातर सिंहभूम में धारवाड़ की चट्टान है। तो सिंहभूम और रांची क्षेत्र में धारवाड़ की चट्टान पाई जाती है, और उस धारवाड़ में आपका पाया जाता है क्या? एस्बेस्टस। इसके बाद हम बात करेंगे डोलोमाइट। डोलोमाइट क्या है? यह भी एक खनिज की तरह है, और इसका प्रयोग जो होता है कच्चे माल में प्रयोग किया जाता है इसका धमनी भट्टी में और रीफैक्ट्रीज उद्योग में। रीफैक्ट्रीज उद्योग के बारे में नेक्स्ट वीडियो जो होगा, झारखंड के प्रमुख उद्योग, तो झारखंड के प्रमुख उद्योग जिसका इसके जस्ट नेक्स्ट पार्ट, जैसे कि यह आपका पार्ट 20 है, पार्ट 21 में हम लोग देखेंगे रीफैक्ट्रीज उद्योग का डिटेल्स देखेंगे वहाँ पे, ठीक है। अभी आप फिलहाल याद रखेंगे कि डोलोमाइट का प्रयोग जो है धमनी भट्टियों में किया जाता है और रीफैक्ट्रीज उद्योग में किया जाता है। और ये सवाल भी आया हुआ है, डोलोमाइट का जो है ये सवाल आया हुआ है कि डोलोमाइट सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है। तो आपको ये बताते चले डोलोमाइट सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, ये पलामू में पाया जाता है। तो अभी आपने देखा, इसके बाद हम लोग देखेंगे यूरेनियम। कुछ क्वेश्चन एग्जाम में क्या होता है पहले से ही फिक्स होता है यूरेनियम। कोई भी एग्जाम है झारखंड का, चाहे वह मतलब 10th लेवल का एग्जाम हो,
इंटर लेवल का एग्जाम हो, ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हो, कुछ क्वेश्चन फिक्स होता है पहले से ही। यूरेनियम, और यूरेनियम आपको लगभग लगभग सभी एग्जाम में देखने को मिलेगा यूरेनियम के बारे में। और ये सवाल रहता है कि जादूगोड़ा, जादूगोड़ा एक खान है, खदान जिसको लोग कहते हैं, तो जादूगोड़ा एक खान है जो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। तो पूछता है कि जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए। अब ये जो जादूगोड़ा की खान है किस युग की चट्टान है? आपको हम बताएं कि झारखंड की जो चट्टान है उसको आर्कियन युग, धारवाड़ युग, इस तरह से परमियन युग बांटा गया है। तो यूरेनियम जो है जादूगोड़ा में पाया जाता है। और जादूगोड़ा कहाँ पर है इसको आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये सब कोई जानता है कि यूरेनियम जादूगोड़ा में पाया जाता है, लेकिन जादूगोड़ा कहाँ पर है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, इसमें कन्फ्यूजन होता है। इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, जादूगोड़ा जो है वह आपका पूर्वी सिंहभूम में है, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम में है। और यूरेनियम आर्कियन युग और धारवाड़ युग की चट्टान में पाया जाता है। यूरेनियम क्या है? तो यूरेनियम की बात करें तो यह एक यानविक खनिज है, यानविक खनिज है जो झारखंड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। झारखंड में सबसे ज़्यादा कहने का मतलब क्या है, यानविक खनिजों में यूरेनियम जो है सर्वाधिक पाया जाता है, क्योंकि यानविक खनिज में एक थोरियम भी आता है जो झारखंड में पाया जाता है। तो जितने भी आण्विक खनिज होते हैं उनमें से यूरेनियम झारखंड में सर्वाधिक होता है। आज जादूगोड़ा में होता है, मतलब उत्पादन ज़्यादा होता है। और कहाँ पर जादूगोड़ा कहाँ पर है? पूर्वी सिंहभूम में। अब देखेंगे लोग थोरियम, तो थोरियम भी एक आण्विक खनिज है जिसका भंडार झारखंड में लगभग 200,000 टन है थोरियम जो। हालांकि थोरियम भारत में अगर देखा जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा थोरियम केरला में पाया जाता है। और इन सभी का हम चर्चा नहीं किए कि शीशा, सोना, चांदी, कोई कर्नाटक, कोई मध्य प्रदेश, तो टीना और एस्बेस्टस कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो लोग भारत का जो भूगोल पढ़ेंगे वहाँ इनके बारे में देखेंगे कौन सा राज्य प्रथम स्थान में है। तो थोरियम क्या है? एक आण्विक खनिज है और 200,000 टन भंडार पाया जाता है झारखंड में। और थोरियम किधर पाया जाता है? तो रांची के क्षेत्र में, धनबाद के क्षेत्र में। इसके बाद हम लोग एक और देखेंगे, वो आपका है बेरिलियम। बेरिलियम बेरिल नामक खनिज से प्राप्त किया जाता है। जैसे एग्जाम में पूछता है कि बेरिलियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है, तो आपका बेरिल, आप नाम से देख सकते हैं, बेरिलियम जो है बेरिल नामक खनिज से प्राप्त किया जाता है। और ये आपका कहाँ से है? कोडरमा और गिरिडीह क्षेत्र में पाया जाता है। तो अभी हमने देखा झारखंड में जो खनिज संसाधन पाए जाते हैं वो तीन वीडियो में आपका, एक जो अभी हम लोग पढ़े पार्ट 20 पढ़े, पार्ट 19 इसके पहले और पार्ट 18, ये तीन वीडियो में झारखंड के जो खनिज संसाधन था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब क्या है कि एग्ज़ाम आपका जेपीएससी हो चाहे जेएसएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको लगता है कि जेपीएससी बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, उसका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए, या तो कुछ क्वेश्चन का भी हम चर्चा करेंगे जेपीएससी का और एन एग्जाम का, क्वेश्चन सिंपल ही रहता है, ज़्यादा डिटेल्स मतलब क्या कहते हैं, ज़्यादा डीप नहीं रहता है। तो ये तीन वीडियो आप देख लें, 18, 19 और 20। तो इससे क्या होगा कि जो खनिज संसाधन से जो भी प्रश्न पूछेगा, चाहे जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, सचिवालय, कोई भी एग्जाम हो, आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। अब हम लोग जो खनिज संसाधन देखे पढ़े उनसे कुछ जोड़ी प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम में पूछा गया, कर किसी न किसी एग्जाम में, चाहे वह वनरक्षी हो, रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर हो, एसआई हो और जेपीएससी, कोई भी झारखंड का एग्जाम हो, उसमें कहीं ना कहीं ये सब प्रश्न पूछा गया है जो हम बताएंगे आपको। उनमें से सबसे पहले आपका ये है, झारखंड के स्थानीय भाषा में, जो हमारे झारखंड क्षेत्र का भाषा है, बोलचाल की भाषा जो है, तो झारखंड की जो स्थानीय भाषा है उसमें अवरक को क्या कहा जाता है? तो अवरक को क्या कहा जाता है, यह प्रश्न 2003 में जेपीएससी के पीटी में पूछा गया था। जेपीएससी का जो पीटी होता है एमसीक्यू टाइप्स का, उसे पूछा गया था झारखंड की स्थानीय भाषा में अवरक को क्या कहा जाता है। तो उससे पहले आपको बता दें कि अवरक जो है ये कोडरमा और गिरिडीह, कोडरमा और गिरिडीह दो जिला अवरक के लिए बहुत फेमस है। और झारखंड में सर्वाधिक कोडरमा और गिरिडीह में ही अवरक पाया जाता है। तो देखिए अवरक को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? मायका कहा जाता है, ठीक है। अवरक को झारखंड के स्थानीय भाषा में मायका कहा जाता है। लेकिन अगर सवाल ऐसा आता है कि झारखंड में अवरक कहाँ पाया जाता है, और ना तो ऑप्शन गिरिडीह में रहे और ना ही ऑप्शन कोडरमा रहे, तो ऐसा सिचुएशन में क्या होगा? आपका ऑप्शन क्या रहेगा? झुमरी तिलैया। इसे भी आप याद रखेंगे जो बहुत ही फेमस है। जब जिला का ऑप्शन नहीं रहेगा तब खास प्लेस का, वेन्यू का ऑप्शन रहेगा, वो ऑप्शन क्या रहेगा आपका? झुमरी तिलैया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बेंटोनाइट निक्षेप, बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो आपको बता दें कि बेंटोनाइट निक्षेप जो है ये राजमहल में पाया जाता है, ठीक है। राजमहल अर्थात बोलेंगे राजमहल कहाँ पे है? राजमहल आपका साहिबगंज में, साहिबगंज में। और ये प्रश्न जो है जेपीएससी, जो छठी जेपीएससी हुआ, छठी जेपीएससी में पूछा गया था, जो 2016 में हुआ था पीटी,
याद रखेंगे। तो ये जो राजमहल है नक्शा का जो है ना, झारखंड के नक्शा राजमहल किस क्षेत्र में, देखिए वैसे हम मैप का वीडियो बना चुके हैं और झारखंड का भूगोल ये पार्ट 20 है, पार्ट पहला पार्ट जो है वो झारखंड का भूगोल का मैप है। तो आप मैप का बढ़िया से देखेंगे, उसमें मैप के बारे में आपको बताया गया है। ये आपका साहिबगंज है, लास्ट में देखेंगे ये जो है यहाँ पे, ये आपका जो है ये साहिबगंज है, ठीक है, झारखंड का। ये आपका उत्तर हो गया और ये आपका क्या हो गया, दक्षिण हो गया, ठीक है। तो ये कोना का इलाका जो है ये लास्ट इलाका आपका साहिबगंज पड़ता है, जहाँ पे गंगा नदी भी थोड़ा बहुत बही हुई है। तो यार ये साहिबगंज में ही राजमहल पाया जाता है और बेंटोनाइट निक्षेप पाया जाता है। पूरा मैप को समझने के लिए ये भूगोल का जो है झारखंड का पार्ट वन वीडियो प्लेलिस्ट से या जो डिस्क्रिप्शन से लिंक दिया है उससे जाकर आप देख लें। आप देखें पश्चिम सिंहभूम में स्थित चिड़िया, पश्चिम सिंहभूम में एक जगह है चिड़िया, ये बहुत ही फेमस है। किसके लिए, किसके लिए फेमस है, तो आपको पहले बता चुके हैं खनिज का चैप्टर में कि ये चिड़िया जो है लोह अयस्क के लिए फेमस है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि ये जो लोह अयस्क की पट्टी है कोई एक जगह भंडार नहीं है, एक सीरीज की तरह पाया जाता है। सीरीज की तरह मतलब जमीन की जब कोड़ते तो लगातार लोह अयस्क मिलता है, और ये पट्टी दुनिया की सबसे बड़ी पट्टी है, नॉट मतलब हमारा भारत और एशिया नहीं, पूरा दुनिया की सबसे बड़ी पट्टी जहाँ पर लोह अयस्क पाया जाता है वह आपका क्या है, चिड़िया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके बाद है झरिया खान, झरिया खान जो है झारखंड में, झारखंड के किस ज़िले में फेमस है, तो आपको बता दें सबसे पहले कि झरिया फेमस किसके लिए है। तो झरिया जो झारखंड की कोयलांचल या कोयला राजधानी कहा जाता है, तो ये कोयला के लिए फेमस है, झरिया जो है कोयला के लिए फेमस है। और ये आपका झरिया खान कहाँ पर है, धनबाद में है। आपको पता है कि झरिया में बहुत दिनों तक जो रांची, धनबाद से रांची का जो रूट था, और नॉट ओनली रांची बल्कि बहुत सारे ट्रेनों का रूट भी मतलब बहुत दिनों तक बंद रहा था, क्योंकि उसके नीचे कहा जाता है कि धनबाद के जो नीचे झरिया क्षेत्र में जहाँ पे कोयला खदान है उसके क्षेत्र में आग लग चुकी है, जिसके कारण काफ़ी मतलब एक दिन में ऐसा पेपर में आया था कि एक दिन में 2 करोड़ धनबाद में नुकसान हो रहा था रेल विभाग को, जितना ट्रेन जो सो रोका गया था। इसके साथ ही इसमें एक पिक्चर भी बना है आग का, जो अंदर आग लगा हुआ है उस पिक्चर का नाम काला पानी है, आप देख भी सकते हैं। तो ये झरिया खान कहाँ पे है, धनबाद में है और कोयला के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड में कौन सा खनिज पदार्थ नहीं पाया जाता है, वैसे तो झारखंड जो इसको क्या कहते हैं, झारखंड को कहते हैं भारत का रूर, बिकॉज रूर कहाँ पे, जर्मनी में एक प्लेस है जो बहुत ज़्यादा खनिज संसाधन है। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा खनिज है, कोयला भी है, हर प्रकार का खनिज है, लेकिन कुछ कुछ तो एक्सेप्शन होना भी स्वाभाविक सी बात है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम खनिज झारखंड में नहीं पाया जाता है। पेट्रोलियम उसी क्षेत्र में पाया जाता है जिस क्षेत्र में समुद्र हो, और झारखंड में सबसे बड़ी बात है कि समुद्र है ही नहीं, इसलिए पेट्रोलियम खनिज जो है झारखंड में नहीं पाया जाता है। ये सवाल पूछा गया था कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है पेट्रोलियम, वनरक्षक पीटी 2015 में हुआ था, और उसी का मेंस हुआ था 2016 में, तो मेंस में भी सेम सवाल पूछा गया था वनरक्षक में। तो ये जितने भी प्रश्न है, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सारा किसी न किसी एग्जाम में झारखंड के पूछा गया है। आगे लोग देखेंगे झारखंड राज्य का देश में रसोई कोयला का रिजर्व, रसोई कोयला जो हम लोग क्या कहते हैं यूज करते हैं खाने बनाने में, तो रसोई कोयला का रिजर्व मतलब कितना भंडार पाया जाता है, तो जैसे ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये 90% है। आप याद रखेंगे रसोई कोयला का रिजर्व कितना पाया जाता है, 90%। इसके बाद है एकमात्र राज्य जहाँ यूरेनियम और पायराइट, आपको बता दें कि यूरेनियम तो फिक्स है, हर एग्जाम में ही रहता है यूरेनियम, आपको इसके पहले जस्ट अभी बता चुके हैं यूरेनियम के बारे में, कभी जिला पूछ लिया जाता है तो कभी खदान पूछ लिया जाता है, कभी किसके लिए फेमस है वो पूछ लिया जाता है, एक ही क्वेश्चन को घुमा रहा है बार बार। और पायराइट, तो यूरेनियम और पायराइट जो है ये दोनों केवल झारखंड में ही पाया जाता है, एकमात्र राज्य है, इसलिए हम लिखे झारखंड। यूरेनियम और पायराइट 95%, अब 95% अगर पायराइट झारखंड में पाया जाता है तो 5% इधर उधर हो सकता है, तो ये 95% है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 100% जो है यूरेनियम और पायराइट झारखंड में पाया जाता है। ये भी सवाल आपका आ चुका है, ठीक है। तो देखेंगे काला सीसा, काला सीसा कहा जाता है जो झारखंड में बृहद पैमाने पर पाया जाता है, किसको कहा जाता है काला सीसा और कहाँ पाया जाता है, तो देखिए काला सीसा कहा जाता है आपको ग्रेफाइट को, याद रखेंगे काला सीसा किसको कहा जाता है, ग्रेफाइट को कहा जाता है, और सर्वाधिक ये कहाँ पाया जाता है, याद रखेंगे
पलामू में पाया जाता है। तो खनिज संसाधन से कुछ प्रश्न हम आपको बताएं जो किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है, क्वेश्चन बैंक से कुछ सवाल था जो हम आपके बीच रखे। तो ये जो आपका चैप्टर था खनिज संसाधन का पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में झारखंड के प्रमुख उद्योग के बारे में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।